Dear students, welcome back in our classes. Today we will discuss about the question number exercise 1.4 class 12th physics. ठीक है, आज हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे. बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है सवाल जो है यूनिट एंड डायमेंशन पर भी बेस्ड है. कुछ कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक है. बस क्या कहता है सवाल में कि एक हमारे पास एक रेशियो दिया गया है के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी. ये रेशियो प्रूफ करना, हमें चेक करना है कि ये डायमेंशन लेस है. ठीक है, पहला बात हो गया. दूसरी बात है कि आपको इस रेशियो का वैल्यू भी निकालना है. आपके पास जो टेबल दिया गया है, फिजिकल क्वांटिटीज का टेबल दिया गया है, उस टेबल का यूज करते हुए सारे वैल्यूज को रख करके यहाँ पर आपको बताना है इनका वैल्यू क्या होगा और ये वैल्यू क्या सिग्निफाई करता है, इस चीज को भी बतलाना होगा. पहले तो बेसिकली आपको बतलाते हैं ये आखिर रेशियो है क्या. जरा समझ लीजिएगा, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है. समझिएगा इस चीज को. एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होगा वो हमारा ई होगा और प्रोटॉन का भी चार्ज हम लोग का ई होगा, जहां पर ई का मान हम लोग मान लेते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन माइनस ई होगा और प्रोटॉन क्या होगा, प्लस ई चार्ज होगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, इसका मास मान लेते हैं एम ई है और इसका मास क्या है हमारा, एम पी है. ठीक है ना, अब अगर दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस मान लेते हैं, एक जनरल डिस्टेंस आर मान लेते हैं, तो यहां पर दो तरह की फोर्स की बात की जा रही है इस रेशियो में. एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, यानी एफ ई हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू मतलब ई स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि यहां पर मैग्नीट्यूड रहता है इसलिए साइन नहीं लेना है, बट आर स्क्वायर हो जाएगा. बोलो हाँ या ना. और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा एफ जी मान लेते हैं, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर. तो जी एम ई इंटू एम पी बाय आर स्क्वायर. और गौर से देखो कि अगर हम एफ ई और एफ जी का रेशियो लेते हैं तो आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बच जाएगा के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी, बच जाएगा जो यहां दिया हुआ है. यानी ये रेशियो जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में डिस्टेंस दोनों में क्या है, बिल्कुल इक्वल है, आर डिस्टेंस है. तो ये रेशियो एक्चुअली में एफ ई एफ जी रेशियो है. ठीक है ना, तो कह रहा है कि आपको बतलाना है इस रेशियो का वैल्यू भी क्या होगा और ये वैल्यू क्या सिग्निफाई करता है, सब कुछ बतलाएंगे. ठीक है ना, बड़ी प्रेम से एकदम देखते रहिए सवाल को. सबसे पहले चेक करते हैं डायमेंशन के बारे में. तो भैया हमारा के का जो यूनिट होता है, के जो होता है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. बोलो हाँ या ना, क्योंकि के जो होता है एक्चुअली में ये होता है 1/4 πε₀ होता है ना, इसी का वैल्यू एप्सिलॉन का वैल्यू पुट करने पर ये आता है रिजल्ट. ठीक है, उसके बाद जी का जो वैल्यू आता है वो है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये वैल्यू है किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का. ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हो 9.1 × 10⁻³¹ kg, और उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन जानते हो आप लोग 1.66 × 10⁻²⁷ kg. इतना क्लियर है, सारे वैल्यूज आ गए हैं. अब चलिए काम करते हैं, हम लोग पॉइंट नंबर वन की बात कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट यानी चेक फॉर डायमेंशन. ठीक है, तो हम लोग इस रेशियो की बात कर ले. हमारे पास जो ये एफ ई टू एफ जी का जो रेशियो है, जो हमें दिया गया है के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी दिया गया है. तो भैया के का यूनिट क्या है हमारा, के का यूनिट हमारा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है, ई स्क्वायर मतलब ये तो कूलम हो गया, चार्ज है, ई का यूनिट कूलम है तो कूलम स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय जी का यहाँ यूनिट जो है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और मास केजी में है, मास केजी गुना केजी, यहाँ केजी स्क्वायर हो गया. तो भैया केजी स्क्वायर से पर के जी स्क्वायर खत्म हो गया, कूलम स्क्वायर से पर कूलम स्क्वायर खत्म, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर से खत्म हो गया. यानी कि यहाँ पर ना ही मास का टर्म बचा, ना ही लेंथ का टर्म बचा, ना ही यहाँ पर टाइम का टर्म बचा, टोटल डायमेंशन यहाँ पर जीरो है. मीन्स ये प्रूफ हो गया कि ये क्वांटिटी, ये रेशियो हमारा डायमेंशन लेस है. तो पहला पॉइंट तो हम लोग प्रूफ कर दिए, साबित कर दिए, चेक कर लिए कि हाँ डायमेंशन लेस ही है ये. अब हम लोग पॉइंट नंबर टू की बात करते हैं कि ये रेशियो का वैल्यू क्या है. तो प्यारे बच्चों, इस रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर 9 सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना बाबू.
एफ ई टू एफ जी रेशियो जो है वो दिया हुआ है, के स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी दिया हुआ है, तो के का मान यहाँ पर बैठा देंगे, यूनिट तो कुछ नहीं होगा तो यूनिट छोड़ के ही बात करो, 9 × 10^2, ये हो जाएगा 9 गुना यहाँ पर ये ई का मान हो जाएगा तुम्हारा 1.6 × 10^-19 का ये स्क्वायर हो जाएगा, बाय जी का वैल्यू 6.67 × 10^-, ये 11 हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10^-31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 × 10^-27। 10^10 को अलग सॉल्व किया करो और 10 बादों की टर्म को अलग सॉल्व किया करो, समझे बात को ना, ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। हालांकि आसान तो नहीं है, इतना भी आसान नहीं है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस चीज को, तो ये हो जाएगा 9 9 × ये 16 × 16 256 होता है ना, है ना, 16 × 16 कितना होता है 256, तो ये हो जाएगा 256, पॉइंट आएगा 2 अंक के बाद, तो यानी 2.56 इंटू 10^10 यहां पर हो जाएगा, पावर में 9 है, 10^10 यहां पर इस 9 है यहां पर, और यहां पर -38 हो जाएगा, -38, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 6.67 × 9.1 × 9.1 × 1.66 कर देंगे, ठीक है। अब 10^10 यहां जो टोटल पावर है 10 का, -11 -31 यानी कि माइनस हो जाएगा ये 42, अब -27 तो 42, अब 20 हो जाएगा 62, और 7 हो जाएगा 62 7 69, -69, ठीक है, समझ में आ गया बचवा। यहां से यहां तक अब सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, थोड़ा बहुत कैलकुलेटर से, नहीं तो समय है तो एग्जाम में दे रहे हैं तो मेहनत करेंगे, और क्या है, नचा 54 हो गया यहाँ पर, 9 × 45 5 50 हो गया, 9 × 18 5 23 हो गया, ये 23.04 बटे इसको मल्टीप्लाई करना होगा 6.67 9.1 10 1.66। 10^10 जो ओवरऑल बचेगा वो यहां पर हो जाएगा कितना, 10^10 -38 में से 9 गया तो हो जाएगा 29, -29 ये +69 जाएगा, तो 10^10 हो जाएगा -29 +69, तो ये हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा, है ना, होगा ना 40 ना। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा 0.228 0.228, और 10^10 कितना रह गया यहाँ पर 40। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट अगर यहाँ खिसकाते हैं 2.28 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10^10 कितना 39 हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ घट जाएगा एक पावर, ठीक है। और इसी को एनसीईआरटी अप्रोक्स में 2. कितना लिखा है 3 × 10^39 लिखा है, और कोई यूनिट तो नहीं होगा ना, तो यूनिट नहीं हुआ, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। जरा देखो ये वैल्यू बहुत ही बड़ा है, 10^+ में 39 है, मतलब ये वैल्यू बहुत बड़ा है, ये छोटे से बॉक्स पर ध्यान देना, छोटा है पर बहुत बढ़िया है। एफ ई अपॉन एफ जी का वैल्यू हमारा दो सेम चार्ज यानी दो मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी कि दो केस हम लोग लिए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का और ग्रेविटेशनल का, दोनों केस में सेम पार्टिकल है और सेम डिस्टेंस है, लेकिन फोर्स का जो रेशियो आ रहा है वो 2.3 × 10^39 आया है, बहुत ही बड़ा वैल्यू आया है, इसका मतलब कौन बड़ा हुआ भैया, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही बड़ा है, किसके तुलना में, ग्रेविटेशनल फोर्स तुलना में, तब ना ये वैल्यू बहुत बड़ा आया है। एफ ई अपॉन एफ जी का वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, ये बतला रहा है, दिस रेशियो सिग्निफाई, लास्ट में लिखोगे दिस रेशियो सिग्निफाई दैट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर द सेम केस इज मच ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन दैट केस। अगर दो सेम केस लिए हुए हैं, एक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं, एक में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू बहुत बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, यस और नो कमेंट जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके एक कमेंट जरूर कर देना, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।